नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेलो किसान पर। तो आज किसानों से जुड़ी एक मैं किसान गाड़ी, जिसको बोल सकते हैं, जो मोटरसाइकिल पे बनाई गई है स्प्लेंडर प्लस पे, तो उसका पूरा वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं गाड़ी का वीडियो। अभी चौथे गियर में ही है ना? अभी चौथे गियर में है। तो गियर में स्टार्ट हो गई। अच्छा ये डायरेक्ट इधर चलता है ना, उसका मेन कनेक्शन वहाँ से नीचे से दे रखा है। हाँ, गियर बक्सा डाल रखा है, सही है, ठीक है। ये गियर अब रिवर्स भी डाल के बता दो एक बार। ये वाला रिवर्स हो गया। हाँ, बढ़िया, आगे ले आओ वापिस इसको। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, कर दो बंद। देख सकते हैं किसान साथियों, जुगाड़ किसान भी किसी से कम नहीं है। ये देख सकते हैं हीरोंडा स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है, इसका इंजन ही उन्होंने पलट दिया है और इंजन को, गाड़ी में इंजन होता है ऐसे, इसको लगा दिया इन्होंने ऐसे और ये इंजन से कनेक्ट कर दिया। और ये जी बता देंगे, आपसे बात करवाएंगे। और ये पीछे डिप्लेंसर लगा के इस मोटरसाइकिल को बना दिया इन्होंने। लोडिंग गाड़ी गुरु कृपा वेल्डिंग वर्कशॉप पानवासा। और ये हमारे किसान साथी है, ये आप ही ने बनाई है? हाँ, हमने ही बनाई। कितना खर्चा आया इसमें? इसमें 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का खर्चा आया। रिवर्स भी चलती है, रिवर्स गियर भी डाल रखा है। रिवर्स गियर भी डाल रखा है। चलो बढ़िया, तो एक पूरा वीडियो बनाएंगे इनके साथ मिलके। तो अभी ये शॉर्ट वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में इसका पूरा वीडियो आपको उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, यह है इस गाड़ी के मालिक और इसको बनाया भी इन्होंने ही है, गुरु कृपा वेल्डिंग वर्कशॉप पानवासा में इनकी दुकान है। और गाड़ियाँ ऐसी अगर आपको बनवानी है तो आप ऐसी गाड़ियाँ इनसे बनवा सकते हैं। तो इसकी पहले आप कीमत बता दीजिए, कितनी कीमत आएगी अगर कोई किसान बनवाना चाहता है तो? इसकी ट्राली की कीमत है 50,000 रुपये। बाइक किसान को लेकर आनी पड़ेगी? हाँ, बाइक किसान को लाना पड़ेगी। वो जैसे बता दें इनको कौन सी चॉइस लगे। तो इसमें भी अलग अलग मॉडल उपलब्ध है आपके पास? सब तरीके उपलब्ध। तो इसमें और कैसे कैसे मॉडल हैं आपके पास और कौन सी सुविधा इसमें आप किसानों को दे सकते हैं? रिवर्स भी दे रहे हैं अपन इसमें, और हम 10 क्विंटल माल ला रहे हैं इसमें, 10 से 12 क्विंटल। 10 से 12 क्विंटल का अभी आप अभी जो मटर फली के आए थे हम 15 कट्टे, 15 कट्टे मटर फली बैठ के आए थे। तो देख सकते हैं 15 कट्टे ये लेके आए और एक कट्टे में वजन 65 किलो आप मान सकते हैं। तो जोड़ सकते हैं 65 किलो से 15 कट्टों का वजन कितना हुआ होगा और 3 लोग बैठ के आए हैं तो वजन तो काफ़ी लेके आए हैं। और 8 से 9 क्विंटल अभी लेके आए हैं, 8 से 9 क्विंटल वजन लेके आए। तो चलिए इनसे जानते हैं पूरी गाड़ी की डिटेल शुरू से लेकर आखिर तक कि इन्होंने इसमें क्या क्या सुविधाएं दी है और क्या क्या फीचर्स है। अपने का इसका इंजन भी आड़ा पतला रखा है। हाँ, चेन नहीं डाल रखी है, डायरेक्ट साफ पे लगा रखी है अपनों ने। ये गाड़ी चौथे गियर में ही रहती है, चौथे गियर में स्टार्ट होती है। और इसका गियर बॉक्स इधर उधर रखा है, पहला दूसरा इधर से ही चलेगी। तो अगर कोई किसान अगर यहाँ से गियर चेंज करना चाहे इंजन से तो हो सकता है? हो सकता है ना, इंजन का गियर चेंज भी कर सकते हैं। मान लो अपनों के थोड़ी घाटी ऊंची है तो इसलिए अपन यहाँ से पहला डाल लो, इसका ही पहला डाल लो, गाड़ी रुके नहीं, ये भी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अगर लोड पे अगर घाटी चढ़ रही गाड़ी तो यहाँ से इंजन का भी गियर कम कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली ये चौथे गियर में गाड़ी रहती है और चौथे गियर के हिसाब से आरपीएम बनाती है। और इसके ये गियर बक्सा कौन से वाहन का है? ये अपनों ने ओमनी का लगा रखा है, ओमनी वैन का गियर बक्सा लगा रखा है जिसमें 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स है। फॉरवर्ड 5 गियर है। और ये पीछे की ये जो धरी जिसको बोलते हैं ये डिप्लेंसर, ये भी ओमनी का ही है, टायर भी ओमनी वैन के ही है। ओमनी का ही है। चलो, तो ये इसमें अपनों ने 9 गियर हो गए, 4 गियर गाड़ी के और 5 गियर, ये 9 गियर की गाड़ी हो गई। ये इसका पीछे का वैन का गियर बॉक्स का लीवर है और उसका गियर बॉक्स का क्लच अलग से नहीं, इसका अपनों ने इंजन का ही दे रखा अभी, एक ही क्लच में दोनों क्लच का से काम हो रहा है अपना। अच्छा, तो गियर बॉक्स का क्लच भी और इंजन का क्लच भी एक ही लीवर से काम होता है? एक ही लीवर से काम हो रहा है। चलो बढ़िया, तो ये इन्होंने बना रखा है पूरा सिस्टम देख सकते हैं आप, और काफ़ी मजबूत है
बनावट इनकी, और जैसा कि बता रहे 50,000 रुपये लगभग का खर्च है, थोड़ा ऊपर नीचे किसान मान के चले 500,000 रुपये। ठीक है, कभी आए तो अच्छा थोड़े बहुत हो जाएंगे। तो किसान अगर चाहे अपने बाइक पे अगर ऐसी पीछे चेचिस बनवाना चाहे लोडिंग गाड़ी, तो आप इनसे बनवा सकते हैं। हाँ तो लीजिए, तो देख सकते हैं आप, हमने वीडियो में गाड़ी को आपको चला के बताया कि गाड़ी कैसे चलती है। इसकी टॉप स्पीड कितनी है? इसकी 60 से 65 स्पीड से चल सकती है। हाँ, तो स्पीड भी इन्होंने, अगर आप माल लेके कहीं लंबी मंडी में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इसकी स्पीड भी अच्छी खासी इन्होंने मेंटेन कर रखी है। तो ये था इस गाड़ी का पूरा वीडियो। आपके नंबर बता दीजिए अगर कोई किसान साथी आपसे संपर्क करना चाहे तो। 9011-66-393 तो ये इनके मोबाइल नंबर है, और आपका पूरा पता बता दीजिए। ग्राम पानवासा, अपने खाचरोस से 5 किलोमीटर, बेलोला बटलावली से पानवासा 5 किलोमीटर खाचरोस से। तो इनका गांव पानवासा है, पानवासा में इनकी दुकान है जहां पर ये गाड़ियां बनाते हैं। तो अगर कोई किसान साथी गाड़ियां बनवाना चाहे तो पानवासा जाके या दिए गए मोबाइल नंबर पर इनसे संपर्क कर सकता है। तो ये गाड़ी मैंने आज देखी, बहुत अच्छी लगी, तो इसका पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।